तो नमस्ते, ऋतु रसोई घर में आपके स्वागत है। आज हम कौन सा फिश बनाने वाले, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है गोता फिश, इसका नाम है गोता फिश। तो हम इसे गोता फिश ही कहते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट में बोलिएगा। ये देखिए, इसको इस तरीके से साफ किया जाता है। इसके देखिए, ये है झींगा का पत्ता है। ये देखिए, इस पौधा को पहचानिए, ये है झींगा का पत्ता, जो ये सब में साफ करने का काम आते हैं। तो हम साफ करते हैं, फिर काट के आपसे मिलते हैं। तो काट के लौट आए। ये देखिए, इस मछली का अंडा ऐसा होता है। तो अब इसको जाएगा एक चम्मच, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच नमक, मिक्स करेंगे। चलिए, मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में गरम हो रहा है, अब तलने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, तेल हमारा गरम है, अब जाएगा ये मछली। उसके बाद सावधानी बढ़ के बहुत चटकता है। कढ़ाई हमारा गर्म अच्छे से हुआ, इसलिए ये चिपका नहीं। दोस्तों, सारे मछली को मैंने फ्राई करके निकल दिया। और फ्राई करते वक्त आप बहुत सावधानी बरतिए, ये मछली ना बहुत चटकता है, तो अपना फेस बचाना ज़रूरी है। इसमें और थोड़ा मस्टर्ड ऑयल दे रही हूँ, यानी सरसों का तेल। अब जाएगा इसमें कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी। दो प्याज को कूट के रखा हूँ, अब उसको डालूंगी, कूटी हुई प्याज। इसको काटे करेंगे ब्राउन होने तक। दोस्तों, थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि प्याज जल्दी पक जाए। दोस्तों, छोटा एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक हरी मिर्च का पेस्ट एक चम्मच। और अब डालूंगी मैं टमाटर, जिसको मैं धो के काट के रखते हैं। हर मसाला को थोड़ा थोड़ा टाइम लेके भूनना चाहिए। एक साथ डालोगे तो कोई मसाला कच्चा भी रहता है, इसलिए मैंने पहले प्याज को अच्छे से भून लिया, उसके बाद सारे मसाला ऐड किया। आधे छोटा चम्मच धनिया का पेस्ट, जीरा पेस्ट, लाल मिर्ची का पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसको भी अच्छे से पकाएंगे। तो मसाला भून गया, अब इसमें मैं पानी ऐड करेंगी। तो ग्रेवी आप जितना आता है उतना रखें, आपकी पसंद के हिसाब से। मैंने तो एक कटोरी पानी डाल दिया। अब इसे उबाल आने तक पकाएंगे, तब मछली इसमें डाल देंगे। तो ग्रेवी उबल गया है, तो अब हम मछली को डाल देंगे इसमें। इसको डाल के हम 10 मिनट तक उबाल आने तक पकाएंगे। दोस्तों, ये रहा एक चम्मच घर का पिसा हुआ गर्म मसाला, सिलबट्टे में पिसा हूँ। अब ये सब्जी बन के रेडी हो गया, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता जाएगा। अब हम गैस को कर देंगे बंद।
दोस्तों हमारा रेसिपी बन के रेडी है, तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसको चावल के साथ या रोटी के साथ आप खा सकते हैं। तो बाय बाय।